तो आइए आज हम लोग जानते हैं स्प्लिट एसी के मोटर के बारे में। तो ये हमारे पास एक मोटर आया है जो कि ये रनिंग नहीं है, यानी कि चलता नहीं है, ये ख़राब है। तो ख़राब होने का क्या कारण है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसके अंदर देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप का अगर आप लोगों के पास कोई भी मोटर आता है तो इसमें स्टार माइनस या भी किसी भी चीज़ से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक कॉल माइनस स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे लगा होता है रबर, इसको ऐसे निकालिए और उसके बाद से कोई माइनस स्क्रू ड्राइवर अच्छा हो तो ऐसे तानेंगे तो आराम से निकल जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है, एकदम आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अभी इसमें हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे कोई आपको बाइंडिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा कि क्या बाइंडिंग है क्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं दिखा, केवल मैग्नेट दिखाता है, वायर कोई भी बाइंडिंग वाला वायर नहीं दिखाता है। और ये वाटरप्रूफ भी रहता है, अगर ये पानी में भी डाल देंगे तो भी चलेगा। तो अभी देखिए आगे रबड़ भी लगा है, इसको भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं। जब हमारे देखने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ये जो है वायरिंग इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि थोड़ा साउंड का इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। खैर इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में हम अगला वीडियो में बताएंगे। इस मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए इसको फिर वापस हम लोग वैसे ही लगा दें। लगाने के बाद ऐसा था ठीक उसी प्रकार से हमको इसमें लगा, इसमें लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हाथ से भी पुश करेंगे तो हो जाएगा या फिर अब इसको हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास तो यहाँ पे चार वायर है, ये अगर डायग्राम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कर सकते हैं। फिलहाल जो कुछ भी अगर किसी भी मोटर में ज़्यादातर आप लोग लगे हुए स्टिकर के डायग्राम से ही कनेक्शन करें, क्योंकि ज़्यादातर टेक्नीशियन को नहीं मालूम रहता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है, जैसे ये ब्लैक है, वाइट है, रेड है, तो ये सब इस पर सब लिखा रहता है, ज़्यादातर इस पर ही लिखा रहता है। तो इसी से आधा काम हम लोग का ये कर देता है, डायग्राम कर देता है। तो इसको हम लोग पीसीबी हमारे पास नहीं है तो इस मोटर को हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे, डायरेक्ट चालू करेंगे और डायरेक्ट चालू करके देखेंगे कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो डायरेक्ट चालू करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है देखिए 220 वोल्ट, यानी कि ये एसी मोटर है, 220 वोल्ट से चलेगा, ठीक है, 45 वाट का है। तो अब यहाँ पर 220 वोल्ट हम लोग ले लिए हैं और ये रहा हमारा न्यूट्रल और फेस, इसमें रेड वाला है वो लाइन है और ब्लैक वाला न्यूट्रल है। रेड और ब्लैक में हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग रेड में रेड लगा दिए, न्यूट्रल और फेस दे दिए। ये तो हमारा हो गया न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल फेस से हमारा मोटर जो है कि चलेगा, बट इसमें कैपेसिटर चाहिए तो हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे। तो ये है कैपेसिटर का वायर,
मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे लगे जो स्टिकर है उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब पता चल जाएगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग बात कर सकते हैं कमेंट में। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी मदद से ये चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है, रनिंग है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैपेसिटर है, आप कैपेसिटर देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कैपेसिटर देख सकते हैं मैं लगाया हूँ। ये जो है हमारा कैपेसिटर है, अब इसमें हम लोग पावर देंगे और पावर दे के हम लोग देखेंगे कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा मोटर देख सकते हैं आप लोग, ये स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। आपको साउंड सुनाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, बट इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये चेक कर, आपको साउंड आ रहा है यानी ये मोटर सही है। तो जो भी भाई टेक्नीशियन थे जो इसका कंप्लेंट लेकर आए थे कि ये मोटर जल गया है, ये जला मोटर नहीं है, पीसीबी में फॉल्ट है, पीसीबी में अच्छे से कनेक्शन करके आप देखिए, क्योंकि ये अभी मोटर सही है। तो ऐसे ही अगर नेक्स्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम आता है तो डायरेक्ट मोटर को ऐसे इंडोर एसी का, इंडोर का ये मोटर है, इसको डायरेक्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसीजर जो है यही है, यहाँ पर न्यूट्रल और फेस दीजिए और यहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन दीजिए। अब ये चीज़ जो है दो वायर किसी को समझ में नहीं आता है कि ये कैपेसिटर अलग से लगा होता है कि, क्योंकि पीसीबी में ऑलरेडी कैपेसिटर लगा होता है। तो ये वायर से ना घबराए कि इसमें चार वायर है कैसे होगा, ऐसा ना घबराए, ऐसा ना टेंशन ले कोई चीज़ किसी भी चीज़ का। ये वायर ना रहे तो भी चलता है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे देख के ये ना घबराए कि ये रहेगा तभी होगा। ये हमारा मोटर जो है कि सही है, देख सकते हैं आप लोग रनिंग कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा तो ये साउंड है, साउंड का आवाज़ भी सुन सकते हैं आप लोग। अगर एसी में अगर साउंड का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो